Hi everyone, how are you doing? We are Punya Study Circle. Dear students, in this lecture, I'll be teaching you how to generalize transactions related to trade discount and cash discount. In our last lecture, we have learned about generalizing transactions related to purchase and sales, be they are in cash or credit, or how could you judge about the expense, whether the cash word is mentioned or not. बच्चों इस लेक्चर के माध्यम से हम उन आर्थिक लेन देन को हमारे ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को लर्न करेंगे जो आर्थिक लेन देन व्यापारिक छूट या नगद छूट के विषय में है। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारी व्यापारिक छूट होती है वो इस प्रकार की छूट होती है जो हरेक ग्राहक को दी जाती है या सप्लायर अपने हरेक कस्टमर को उपलब्ध करवाता है। ये हमेशा लिस्ट प्राइस पर दी जाती है और इसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जबकि हम अगर कैश डिस्काउंट की बात कर रहे होते हैं तो कैश डिस्काउंट केवल उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जो पेमेंट जल्दी से करना चाहते हैं या पेमेंट कैश में कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट भी हमारा दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड हमें सप्लायर से मिलता है, जब हम सप्लायर को जल्दी से पेमेंट करते हैं या कैश में परचेज करते हैं तो सप्लायर हमें कैश डिस्काउंट ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। सो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होती है, गेन होता है, इसको हमेशा हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे। वेयर एज द डिस्काउंट दैट वी आर अलाउइंग टू आवर कस्टमर, अगर ग्राहक कैश में परचेज करता है या प्रोमिस करता है कि विद इन स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन प्री डिटरमाइंड पीरियड वो हमें भुगतान कर देगा, और अगर उसी पीरियड के अंदर वो भुगतान करें, इन दैट केस हम उसको कुछ नगद छूट देते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंस फॉर अस, उसको हम एक्सपेंस मानेंगे, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड को हमेशा डेबिट किया जाएगा। हियर आई एम रीडिंग दिस अकाउंटिंग प्रॉब्लम फॉर यू। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स। At the top of your journal, you will write in the books of Raghunath Brothers or whatever is the name of concern. Concerns का जो नाम है, enterprises का जो नाम है, वो लिखेंगे। यहाँ क्योंकि हम एक small business enterprise के transactions को record कर रहे हैं, in this case we are not having any subsidiary book or days book. ना तो हमारे पास यहाँ cash book है, ना sales book है, ना purchase book है, सिंपली एक ही हमारा journal है, खाता वही है। इसी के अंदर हम सभी cash transactions को, transaction related goods as well as assets and liability, सारे के सारे transactions हम अपने जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, अगर हमारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो आप यहाँ टोटल करेंगे, बोथ कॉलम अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और द नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, पीछे से आगे लाया गया शेष। सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है, जून फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 30,000, गुड्स वर्थ 40,000 एंड फर्नीचर वर्थ 20,000। व्यवसाय ने व्यापार की शुरुआत की, व्यवसाय की शुरुआत की, 80,000 रूपए का कैश इन्वेस्ट किया, 40,000 रूपए के गुड्स, यहाँ जो गुड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं उनको स्टॉक बोला जाएगा, एंड 20,000 रूपीज फर्नीचर की हमारी एसेट्स रहेगी, फर्नीचर के नाम से ही रिपोर्ट की जाएगी। तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, व्हाटएवर वैल्यू द ओनर इज इन्वेस्टिंग दैट विल बी टर्म एज कैपिटल, उसको उसकी पूंजी माना जाएगा, और पूंजी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। जून फर्स्ट में आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन हमारी रहेगी कैश अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स आपके पास आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट। कैश अमाउंट रुपीज 80,000, फर्नीचर रुपीज 20,000 एंड स्टॉक रुपीज 40,000, टोटल इन द नेम ऑफ कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच इट इज 1,40,000। यहां आप नरेशन लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज 1,40,000 एज कैपिटल। ये वैल्यू है हमारी, जिसमें से वैल्यू 80,000 रुपीज कैश में इन्वेस्ट की गई है, 20,000 फर्नीचर और 40,000 की गुड्स व्यापारी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए निवेश किया है। बिटवीन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई विल नॉट बी मेंशनिंग हियर नरेशन, जू आई विल बी टेलिंग यू द नरेशन, बट यू हैव टू रिकॉर्ड इन योर नोटबुक सेयर वी आर हैविंग स्कैसिटी ऑफ स्पेस। सो सिंपली हम ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, नरेशन को रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा दिया गया है जून सेकंड, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल लिस्ट प्राइस 20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो यहाँ पर लिस्ट प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, बोला भी गया है क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहाँ अगर 20,000 रुपीज के गुड्स हम सेल कर रहे हैं, नंदलाल को कैश का कोई मेंशन ही नहीं है, इन दैट केस नंदलाल वुड बिकम आवर डेटर, नंदलाल को उधार में सामान बेच रही है, वो हमारी करंट एसेट या पर्सनल अकाउंट के तौर पर डेबिट किया जाएगा बिकॉज ही इज द रिसीवर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्स
सेल्स हम कितनी माने 20,000 या लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 18,000 की सेल मानी जाएगी, 2,000 रुपए को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो यहां हम जून 2nd को ट्रांजेक्शन लिखेंगे नंदलाल डाबेट, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसके साथ आपको अकाउंट वर्ड सुफिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। नंदलाल डाबेट टू सेल्स, सिंपल। डिस्काउंट को हम यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे 18,000। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, उसको सिंपली हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। व्हाट वुड बी नरेशन फॉर इट, बूस वॉच 20,000 सोल्ड टू नंदलाल एट रुपीज 18,000 विद ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2,000। फिर आप इस ट्रांजेक्शन को सेपरेट करेंगे, सिंपली आप लिख सकते हैं गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000 सोल्ड टू नंदलाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे जून 4th, नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। अब नंदलाल ने क्रय किए गए वस्तुओं को वापस किया है, जब हमारा ग्राहक हमें सामान क्रय करने के बाद वापस करता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न आप उसको बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हमारे सेल्स अकाउंट से अपोजिट होती है, क्योंकि सेल्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, जो सामान हम बेच चुके हैं वो वापस आ जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट होता है, वो डेटर के अकाउंट को हम उसी अमाउंट से कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये कहा गया है 4,000 लिस्ट प्राइस, तो जब हम गुड्स को ट्रेड डिस्काउंट पर सेल्स करते हैं और ऐसे गुड्स हमारे पास रिटर्न आते हैं, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को रिड्यूस करके ही जनरल एंट्री में अमाउंट को नेट रिकॉर्ड करते हैं। हियर जून 4th सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट अमाउंट 4,000 माइनस 10%, जो ट्रेड डिस्काउंट हमने सेल्स पे दिया है वही हम डिडक्ट करने वाले हैं सेल्स रिटर्न पर। 4,000 माइनस 400 3,600 टू नंदलाल को जो अमाउंट पेबल है वो भी हमारे रिड्यूस हो जाएगी 3,600 से, 18,000 रुपए लेने नंदलाल से 3,600 हमारा रिड्यूस हो गया। नाउ ही इज लायबल टू पे 14,400, 14,400 रुपए की पेमेंट गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल वर्थ 3,600। सिंपल सा नरेशन लिखे जितना छोटा हो सकता है उतना, क्योंकि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही होता है हमारा, अगर हम डिटेल में लिखेंगे तो पूरा ट्रांजेक्शन ही हमारा यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेटल नंदलाल अकाउंट 14,150। जब हम किसी अकाउंट को सेटल करते हैं एट ए लेस अमाउंट देन द एक्चुअली पेबल और रिसीवेबल, सो उसे हम कैश डिस्काउंट मानते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा 18,000 रुपीज की गुड्स हमने सेल्स की है नंदलाल को, 3,600 रुपीज रिटर्न है, 14,400 हमारा रिसीवेबल है, बट नंदलाल के अकाउंट को सेटल कितने में कर रहे हैं 14,150 रुपए में, सो 250 रुपए का डिस्काउंट हम उसको अलाउ कर रहे हैं, दैट वुड बी टर्म एज कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट रहेगा अलाउड है, इसलिए डेबिट होगा। हमें कैश कितना मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट जितने में हमने अकाउंट को सेटल किया है 14,150, डिस्काउंट हमने कितना दिया, कैश डिस्काउंट है इसलिए रिकॉर्ड करेंगे अलाउड अकाउंट डेबिट एक्सपेंस अकाउंट है 250। और नंदलाल को कितने से कैंसिल किया, नंदलाल रुपीज 14,400। अब उसके अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया है, यू बी राइट नरेशन नंदलाल अकाउंट सेटल्ड एट रुपीज 14,150 विद ए कैश डिस्काउंट ऑफ 250। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन वॉज रिलेटेड टू जून 8th। नाउ हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 10th। इस ट्रांजेक्शन में कहा गया है परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ हमने परचेज किया है, सेल्स नहीं किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता है अगर हम कैश में परचेज करते हैं, जब कैश ना दिया हो तो हम जो हमारे सप्लायर्स हैं उन्हीं के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटर का अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ 10,000 रुपीज के लिस्ट प्राइस के गुड्स को क्रय कर रहे हैं 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, 10,000 में से 15% अगर आप लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ आए। 8,500 रुपीज के गुड्स हमने परचेज किए हैं ब्रिज मोहन से क्रेडिट में, तो यहाँ हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। अब ब्रिज मोहन हमारे क्रेडिटर है, ब्रिज मोहन 8,500 से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि 10,000 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नरेशन वुड बी गुड्स वर्थ 8,500 परचेज फ्रॉम ब्रिज मोहन, या आप लिख सकते हैं गुड्स लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम ब्रिज मोहन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे दे रखे जून 30th को, ट्रांजेक्शन में कहा गया है रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन लिस्ट प्राइस 1,000, जो 8,500 रुपीज के गुड्स 10,000 के हैं लेकिन हमने 8,500 में खरीदे, उसमें से 1,000 रुपए लिस्ट
प्राइस की गुड को हम वापस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। क्रय किए गए सामान को हम वापस करते हैं, सो आप इसको रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा, इसलिए हमारी परचेज कम हो जाती है। सो अगर लिस्ट प्राइस 1000 है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, सो नेट प्राइस हमारा रहेगा 850। सो यहाँ परचेज रिटर्न की अमाउंट रहेगी हमारी 850 और हमारा जो क्रेडिटर है उसके अकाउंट को हम रिड्यूस कर देंगे। 8500 रुपए पे करने हैं, अब हमें 850 कम पे करने पड़ेंगे। सो ब्रिज मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 850। एट द एंड ऑफ पेज यू विल मेक टोटल ऑफ ऑल दिस ट्रांजेक्शन। दोनों कॉलम को आप टोटल करेंगे, टोटल को एक दूसरे के सामने लिखेंगे और यहां वर्ड लिखेंगे आप बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड। अगले पेज पर लिखे जाया गया शेष, यहां आप लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर बैलेंस बीडी पिछले पृष्ठ का शेष। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें यहां दिया गया है 16 को, सेटल ब्रिज मोहन अकाउंट एट 4% कैश डिस्काउंट। अब हमें ब्रिज मोहन को अमाउंट पे करना है जो उसको पेबल है। क्लियर? 8500 रुपीज की बुक्स हमने क्रय किए थे, 850 के रिटर्न किए, सो नेट अमाउंट अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें इट वुड बी 7650। ये अमाउंट पेबल है बट 4% ब्रिज मोहन हमें कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। सो कैश डिस्काउंट हमारे लिए क्या रहेगा? डिस्काउंट रिसीव, उसको हम क्रेडिट करेंगे जैसे हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया था। सो हमें 7650 रुपीज इसका 4% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम आउट विद द अमाउंट दैट वुड बी 306 रुपीज। सो नेट अमाउंट पेबल इज 7344। ये भुगतान करना पड़ेगा हमें ब्रिज मोहन से। ब्रिज मोहन का जो अकाउंट हमने क्रेडिट कर रखा है वो हमारा एक्जेक्टली कैंसिल हो जाएगा। एंट्री कब करेंगे आप? डेट इज गिवन एज 16 जून। ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश, जो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं 7344। क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट कॉलम में कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारा 306 और टोटल अकाउंट हमारा कैंसिल हो गया 7650 रुपीज। नरेशन यू विल राइट अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन सेटल्ड एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। 4% के कैश डिस्काउंट के साथ हमने इसको सेटल कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन June 18, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000 एंड सुनील 10000। हमने गुड्स को परचेज किया है अनिल से 5000 रुपए, सुनील से 10000 रुपए। जहां पे कैश और पेंशन नहीं है हम इनको क्रेडिटर नहीं मानेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। परचेज हमारा कितना हो गया नेट 15000 क्रेडिट है, इसीलिए हमें क्रेडिटर मिले हैं दो गुड्स वर्थ 15000। परचेज फ्रॉम अनिल रुपीज 5000 एंड सुनील रुपीज 10000। ट्रांजेक्शन का डेट रहा है हमारा 18 जून। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा दे रखा है 19 जून। ये ट्रांजेक्शन कहा गया है पेड कैश टू अनिल रुपीज 1900 एंड रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 100। अनिल जिसको हमने कितना अमाउंट पे करना है 5000 रुपए, उसको हम 1900 रुपए पे कर रहे हैं और कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है 100 रुपए। सो ये कैश डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है, हमारे लिए इनकम है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। अनिल का अकाउंट कितने से राइट ऑफ करेंगे? 1900 से नहीं 2000 से। 100 रुपए का जो कैश डिस्काउंट मिल रहा है उससे अनिल का अकाउंट हमें कम हो जाएगा जो उसने माफ कर दिए। सो हम यहाँ अनिल का अकाउंट जो 5000 से क्रेडिट है अगर 2000 से डेबिट करेंगे तो 3000 का शेष अभी भी बचा हुआ है। यहाँ आप करेंगे अनिल डेबिट टू कैश, कैश में कितना पेमेंट कर रहे हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट है इसलिए रिकॉर्ड किया जाएगा अनिल अकाउंट इज टू बी रिड्यूस बाय 2000, कैश पेड 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 100। अमाउंट पेड टू अनिल रुपीज 1900 विद ए कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी June 20 को दे रखी है। ट्रांजेक्शन इज सुनील अकाउंट इज ऑल्सो सेटल एट 9800 विद द कैश डिस्काउंट। सुनील का अकाउंट जिसने हमने 10000 रुपए की गुड्स खरीद रखे हैं उनके अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। यहाँ अकाउंट सेटल की बात नहीं की गई थी, केवल 2000 रुपए के भुगतान की बात की गई थी, लेकिन यहाँ कहा गया है अकाउंट सेटल, दैट मीन्स हमें कंप्लीट अकाउंट को राइट ऑफ करना है। 10000 रुपए का अकाउंट है, अगर आप लोग 9800 रुपए में सेटल कर रहे हो इन दैट केस यू आर गेटिंग 200 रुपीज एज
कैश डिस्काउंट। एंट्री हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, यहां हमें सुनील लिखना है, सुनील डेबिट टू कैश, जितना उसको हम कैश में पे कर रहे हैं, एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सुनील का अकाउंट 10,000 कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया, 9,800 की पेमेंट करके 200 रुपए का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। सुनील अकाउंट सेटल एट 9,800 विद कैश डिस्काउंट ऑफ ₹200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी जून 20 को ही है, बूट वोट ए फैन वर्थ 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज, 8,000 रुपए का फैन स्वामी ने अपने गृह इस्तेमाल के लिए खरीदा है। बेटे जो ओनर्स होते हैं अगर वो गूड्स विड्रू करते हैं, कैश विड्रू करते हैं या कोई एसेट्स विड्रू करते हैं, तो उससे पूंजी की राशि कम हो जाती है। जैसे यहां पर उन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था इन द सेंस ऑफ फर्नीचर स्टॉक एंड कैश, ऐसे ही वो अपने कैपिटल को रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय मेकिंग परमानेंट विड्रोल और ड्रॉइंग्स इन कैश परचेज एंड एसेट्स। तो यहां मालिक जो अपने निजी प्रयोग के लिए वस्तुएं निकालता है, व्यवसाय से कैश निकालता है, उसको हम ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं, और ड्रॉइंग हमेशा हमारी डेबिट होती है क्योंकि कैपिटल को कम कर देती है। ये भी हमारा क्या होता है, किसी व्यक्ति के नाम से होता है, तो पर्सनल अकाउंट हमारा कहलाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और यहां ये मानेंगे दैट वी आर नॉट ऑन डीलिंग इन द फैन, हम फैंस में डील नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपनी, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक कंपनी है बाहर से ही वो फैन खरीदेंगे, हमें क्या करना है ड्रॉइंग टू कैश अकाउंट। जून 20 मालिक के द्वारा जो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाते हैं, संपत्ति या सामान निकाला जाता है, उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर वो गुड्स को विड्रू करेंगे तो हम उसको परचेज से लेस करेंगे, कैश को विड्रू करेंगे तो कैश से लेस कर देंगे, और अगर कैपिटल से विड्रू करेंगे तो कैपिटल में से लेस करेंगे, उसको परमानेंट विड्रॉल होता है हमारा। यहां हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, या अकाउंट वर्ड को आप यूज ना भी करें तो भी ठीक है, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज। नरेशन विल बी रिटर्न एज फैन वर्थ 8,000 परचेज बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज और ड्राइंग वर्थ 8,000 मेड बाय ओनर। नेक्स्ट है हमारा जून 25th, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम सभी ग्राहकों को ऑफर करते हैं, इसको कभी रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। 8,000 रुपए के गुड्स को अगर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल करें द नेट अमाउंट वुड बी 7,200। 7,200 रुपए के गुड्स हम यहाँ सेल कर रहे हैं, एंट्री क्या आएगा हमारा कैश में कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर हम कोई डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। यहां ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है, सो 800 रुपीज हम इनिशियली डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद आती है हमारी नेट अमाउंट रिसीवेबल, 7,200 हमारा रिसीवेबल है, लेस 4% 3% कैश डिस्काउंट। सो 7,200 का 3% होता है 72 × 3, दैट मीन्स 216 का हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। इन दस केस वी आर गोइंग टू रिसीव 84 रुपीज। एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट, जो हमें मिलेगा डिस्काउंट अलाउड केवल कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमें कितना मिला 69,84, डिस्काउंट हमने कितना दिया 216, और नेट सेल हमारा कितना है 7,200। इफ एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एनी एक्सपेंसेस गिवन लाइक सैलरी है, वेजेस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो सभी एक्सपेंस को आप डेबिट करें। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो टू कैश करें, अगर ये बोल रखा है चेक से पेमेंट की है सो एक्सपेंस टू बैंक करें, अगर ये बोल रखा है आपको कि आउटस्टैंडिंग है इन दैट केस जो आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है वो हमारा लायबिलिटी होती है, तो एंट्री क्या रहेगी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई एम श्योर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे एडवांस लेक्चर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे लेक्चर को शेयर करें, उसको लाइक करें। अगर आपको कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आती यू मे पुट इट ऑन कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, स्टे होम स्टे सेफ।